मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग। आज के इस एपिसोड में बात एक स्टार किड की, जिसे उसकी पहली फिल्म के बाद से ही चूका हुआ मान लिया गया। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब इस एक्टर को पुलिस ने ड्रग्स खरीदते रंगे हाथों पकड़ लिया। इन्होंने जैसे तैसे करके अगले कुछ सालों तक अपना करियर खींचा, मगर वो टिकट खिड़की की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नाकाफी साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं नो एंट्री फेम एक्टर फरदीन खान की। फरदीन खान का जन्म 8 मार्च 1974 को बंबई में हुआ था। इनके पिता फिरोज खान इंडिया के सबसे हैंडसम एक्टर्स और स्टाइलिश फिल्म मेकर्स में गिने जाते थे। फिरोज का बचपन काफी मुश्किल रहा था, क्योंकि जब वो 16 साल के थे तभी उनके पिता की ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो गई थी। 6 भाई बहनों समेत पूरे घर की जिम्मेदारी अचानक से फिरोज के कंधों पर आ गई। मजबूरन उन्हें पढ़ाई छोड़ घर चलाने के लिए पैसे कमाने निकलना पड़ा। खैर, फिरोज को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। फरदीन की स्कूली पढ़ाई लिखाई मुंबई के ही जमुनाबाई नारसी स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया। फरदीन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए इंडिया आ गए। फिल्मों में आना तो ठीक है, मगर फरदीन के साथ दो बुनियादी दिक्कतें थीं। पहली, उन्हें एक्टिंग का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। दूसरी, वो काफी वेस्टर्नाइज हो गए थे। हिंदी में बोले तो मामला बहुत अंग्रेजीदा था। एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए तो उन्हें किशोर नमित कपूर के एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल भेजा गया। कहा गया कि बाकी चीज़ें फिल्मों में काम करते करते अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद फिरोज खान ने खुद अपने बेटे को लॉन्च करने का प्लान बनाया। प्रेम अगन नाम की फिल्म से फरदीन का एक्टिंग डेब्यू हुआ, मगर ये फिल्म टिकट खिड़की पर बुरी तरह से पिट गई। दूसरी तरफ इंडस्ट्री फरदीन की जितनी मदद कर सकती थी उन्होंने की। पहली फिल्म में औसत परफॉर्मेंस के बावजूद फरदीन खान को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। रामगोपाल वर्मा अपने दौर के सबसे चर्चित फिल्ममेकर्स में से थे। उनकी फिल्में क्रिटिकली भी सराही जाती थी और टिकट खिड़की पर पैसे भी कमाती थी। रंगीला जैसी सुपरहिट फिल्म और सत्या जैसी कल्ट फिल्म देने के बाद रामू जंगल नाम की फिल्म बनाने जा रहे थे। अपने करियर की दूसरी फिल्म में फरदीन खान रामू के साथ पहली बार काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। जो सीन सबसे पहले शूट हुआ उसमें फरदीन को जंगल में दौड़ना था। सीन शूट होने के बाद फरदीन रामू के पास पहुंचे और प्रेशर और नर्वसनेस के मिश्रित भाव से पूछा कि उनका शॉट कैसा था। रामू ने कहा कि दौड़ते हुए आदमी को देखकर कैसे कहा जा सकता है कि वो अच्छा एक्टर है या नहीं। उनका कहने का मतलब था कि अभी दूसरे सीन्स शूट करिए, फिर बताता हूँ। रिलीज के बाद जंगल की तारीफ हुई, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। मगर रामू को फरदीन का एटीट्यूड ठीक लगा। जिन रामगोपाल वर्मा के अक्खड़ और मुंहपट रवैये से पूरी इंडस्ट्री कांपती थी, वो फरदीन के साथ दो और फिल्में बना रहे थे। पहली फिल्म थी रोमांटिक थ्रिलर प्यार तूने क्या किया। रामगोपाल वर्मा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को रजत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। प्यार तूने क्या किया फरदीन खान के करियर की पहली क्लीन हिट फिल्म साबित हुई। रामू के प्रोडक्शन में फरदीन को लेकर बनी अगली फिल्म थी लव के लिए कुछ भी करेगा। इसे शूल फेम ईश्वर निवास ने डायरेक्ट किया था। इसे इंटरेस्टिंग कॉमेडी फिल्म की तरह देखा गया, मगर ये फरदीन के करियर के लिए कुछ खास मददगार साबित नहीं हो पाई। फरदीन के लिए करियर वाइज सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनकी बैक टू बैक फिल्में पिट रही थी, मगर पहली फिल्म सफल हुई और फरदीन के लिए आफत आ गई। हुआ ये कि मुंबई में फिल्म प्यार तूने क्या किया की सक्सेस पार्टी चल रही थी। फैमिली के साथ डिनर वगैरह करने के बाद देर रात फरदीन अपनी कार लेकर जुहू साइड निकल गए। वो वहाँ एक पेडलर से ड्रग्स खरीदने गए हुए थे, मगर मुलाकात से पहले वो पास के ATM पहुंचे। पैसे निकालने की कोशिश में कार्ड मशीन में फंस गया। 5 मई 2001 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने फरदीन खान और उनके पेडलर को ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि फरदीन उस पेडलर से 1 ग्राम कोकीन लेने गए थे, जिसकी कीमत 2500 रुपए थी। उसी के लिए कैश निकालने फरदीन ATM गए और वहीं पे ये सारा कांड हो गया। NCB उठाकर पूछताछ के लिए ले आई। फरदीन से देर रात तक पूछताछ की गई।
इस दौरान फरदीन ने ये भी बात कबूली कि वो नियमित रूप से ड्रग्स लेते थे। जब उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वो फिल्म बिजनेस में हैं, रात को सोने में देरी हो जाती है, मगर फिल्मों की शूटिंग के दौरान उन्हें फ्रेश दिखना होता है, इसीलिए वो ड्रग्स लेते थे। मार्केट इन अफवाहों से गर्म था कि फरदीन ने फिल्म इंडस्ट्री के 6 और लोगों के नाम बताए हैं जो ड्रग्स लेते हैं, मगर उनकी पूछताछ से जुड़े ऑफिसर्स ने इन खबरों को निराधार बताया। पुलिस मुख्यतः इस मसले की जांच कर रही थी कि फरदीन सिर्फ ड्रग यूजर हैं या वो ड्रग्स को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम भी करते हैं, मगर छानबीन के बाद पता चला कि वो महज एक ड्रग यूजर थे। फरदीन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए थे। उन्हें अस्पताल में डी एडिक्शन कोर्स करवा के छोड़ दिया गया। दिक्कत वाली बात यह थी कि फरदीन का करियर पहले ही रफ्तार नहीं पकड़ रहा था, ऐसे में ड्रग कांड में नाम आना इंडस्ट्री और जनता के बीच उनकी इमेज और खराब कर रहा था। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज ये कि फरदीन ने अपनी पहली हिट फिल्म की सफलता एंजॉय करने के चक्कर में अपने नाम पर बट्टा लगवा लिया था। फरदीन ने आगे खुशी, ओम जय जगदीश और भूत जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें से भूत इकलौती फिल्म रही जो थोड़ी बहुत कमाई कर पाई, मगर इसमें फरदीन का रोल कुछ 15 से 20 मिनट का रहा होगा। बेटे के करियर को रसातल में जाते देख फिरोज खान दोबारा से एक्टिव हुए। उन्होंने जानशीन नाम की एक फिल्म प्लान की। ये अपने समय में थोड़ी नई किस्म की फिल्म थी। इस फिल्म के 22 रेसिंग सीक्वेंस वगैरह की खूब तारीफ हुई, मगर ये फिल्म भी नहीं चली। जानशीन के ठीक अगले साल बाइक्स के इर्द गिर्द घूमने वाली एक और फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम था धूम, जिसने इंडिया में बाइक कल्चर को मजबूत किक दी थी। 1980 में आई फिल्म कुर्बानी की सफलता की खुशी में फिरोज खान ने अपने बेटे फरदीन को एक बाइक गिफ्ट की थी। तब फरदीन बच्चे थे, उन्हें बाइक वगैरह चलानी नहीं आती थी। उसी बाइक को फिल्म जानशीन के कई सीक्वेंसेस में इस्तेमाल किया गया। फिरोज ने उसे एक तरह से फरदीन के लकी चार्म की तरह यूज करना चाहा, मगर वो बाइक भी जानशीन को पिटने से नहीं बचा पाई। फरदीन को लगने लगा था कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ कमाल नहीं कर पा रही, तो क्यों ना क्रिटिकल अक्लेम ही इंजॉय किया जाए। इसलिए वो उसी तरह के फिल्म मेकर्स के साथ काम कर रहे थे जिनकी फिल्में समीक्षकों को पसंद आती हैं। उनकी फिल्मोग्राफी में शामिल ऐसी एक फिल्म थी देव। गोविंद नहलानी डायरेक्टेड इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, ओम पुरी और करीना कपूर के साथ फरदीन भी नजर आए थे। अमिताभ बच्चन के स्टार पावर के बावजूद ये फिल्म नंबर्स को नहीं कर पाई। ढेर सारी असफलताओं के बीच फरदीन के खाते में वो फिल्म आई जिसके लिए उन्हें आज और आगे भी याद किया जाएगा। फिल्म थी अनीस बज्मी डायरेक्टेड नो एंट्री। सलमान खान और अनिल कपूर के साथ इस फिल्म में फरदीन ने भी काम किया। नो एंट्री 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, मगर इसके बाद भी फरदीन की फिल्मों के पिटने का सिलसिला जारी रहा। वो आगे प्यारे मोहन, हे बेबी और ऑल द बेस्ट जैसी फिल्मों में नजर आए। फरदीन खान ने 14 दिसंबर 2005 को नताशा माधवानी से शादी कर ली। नताशा मशहूर फिल्म एक्ट्रेस मुमताज की बेटी हैं। शादी तो हो गई मगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फरदीन की फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही थी। 2010-11 में फरदीन अपनी पत्नी के साथ लंदन चले गए। उन्हें लगा 2-3 साल में उनका काम हो जाएगा और वापस इंडिया आकर फिल्मों में दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। IVF की मदद से फरदीन को एक बेटी पैदा हुई, उसकी देखरेख में समय जाने लगा। इसके कुछ सालों के बाद वो एक बेटे के पिता बने। पिता का दायित्व निभाते हुए अपने बच्चों को समय देने के लिए वो लंदन में ही रहे। हालांकि इस दौरान वो रियल एस्टेट बिजनेस में लग गए। उनका बिजनेस सही चल रहा था, इसलिए फिल्मों में आने की कोई मजबूरी या जल्दी नहीं थी। हालांकि बिजनेस के चक्कर में उन्हें मुंबई आते जाते रहना पड़ता था। फरदीन का ये अनप्लान्ड ब्रेक कब 11 साल लंबा हो गया उन्हें भी पता नहीं चला। फरदीन खान लंबे समय बाद 2016 में वापस मीडिया की नजरों में आए। जब उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, क्योंकि इन तस्वीरों में फरदीन का वजन बढ़ा हुआ था। पिछले दिनों में दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान फरदीन लंदन में ही फंस गए थे। इस दौरान उन्होंने पूरे 10 महीने लंदन में गुजारे। बकौल फरदीन, लंदन में एक साथ इतना लंबा समय उन्होंने इससे पहले कभी नहीं गुजारा था, मगर उन्हें इसका फायदा भी मिला। उन्होंने लॉकडाउन के 6 महीनों में अपना वजन 18 किलो कम किया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्हें इंडिया में कास्टिंग डायरेक्टर टर्न फिल्म मेकर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से निकलते स्पॉट किया गया। इन तस्वीरों में फरदीन काफी फिट लग रहे थे। अटकलें लगने लगी कि फरदीन फिल्मों में वापसी करने वाले हैं। पिछले दिनों मुकेश और फरदीन दोनों ही इस मसले पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रख चुके हैं। फरदीन ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि अब उनकी फैमिली सेटल हो चुकी है, बच्चे पढ़ने लगे हैं, इसलिए अब वो फिल्मों में वापसी करना चाहते हैं। उनकी बिटिया की पढ़ाई लंदन में चल रही है, इसलिए उनका बेस तो मुंबई ही रहेगा, मगर लंदन आना जाना लगा रहेगा।
मैटनी शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।